हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ का ये अगली वीडियो होने वाली है जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था को कवर करेगी। और ये आप लोगों का सामान्यतः 14वां वीडियो होने वाला है जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ सीरीज का है। यदि आप इसकी सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ सीरीज करके आपको मिल जाएगा फोल्डर। उसमें आप जाएंगे तो आपको सभी वीडियो जो क्रमशः हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये 14वां वीडियो सामान्यतः होने वाला है इस सीरीज का, तो यहाँ पर हम इसे शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको जो आने वाली वीडियो होंगे उनके बारे में जानकारी मिले। और आपको बहुत ही जल्द इस पर आरओ यारओ की भी क्लासें मिलने वाली हैं जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं उनको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। ये दोस्तों आपकी चौथी यूनिट है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चौथी यूनिट अब आपकी स्टार्ट हो गई है और उसका पहला टॉपिक है पंचायती राज सिटीजन चार्टर, ठीक। देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें यह चार्टर जन सम्मान की सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से बनाया गया है और इसे 7 विषयों में बांटा गया। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 7 विषयों में बांटा गया। ये महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो सिटीजन चार्टर है वो कितने विषयों में बांटा गया है, तो 7 विषयों में। अब ये 7 विषय आपके याद होने चाहिए। इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड भी दे सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता पहला है, दूसरा है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, तीसरा है पंचायतों का दायित्व कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास, चौथा है इसमें पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व, विकेंद्रीकरण कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण और पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। अगला है इसमें ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ये आपका पहला इसी के अंतर्गत है, ठीक है। जो विषय हैं चार्टर में, 7 विषय हैं, उनका पहला विषय है ये ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता। ये मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन इसमें आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा है, तो पंचायती राज को जो अनुदान दिया जाएगा तो 70:15, 15:15 में दिया जाएगा। ग्राम पंचायत को 70 और क्षेत्र पंचायत को 15 और जिला पंचायत को भी 15। वर्ष 2021-22 से 25-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकाय पंचायतों, साफ पानी और स्वच्छता के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यानी स्वच्छता और साफ पानी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 14,142,084 करोड़ रुपए मिलने वाला है, ठीक है। 1.42 करोड़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका अनुदान देने की बात कही गई है। राज्य वित्त आयोग की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए आयोग की संस्तुति क्या है, 70:10:20, ये आपको ध्यान देना। देखिए, जो केंद्र सरकार की है उसमें 70:15:15 है, इसमें 70:10:20 है। ग्राम पंचायत को 70%, क्षेत्र पंचायत को आपको 10% और 20% आपकी जिला पंचायत को। अब देखिए, पंचायत भवनों के निर्माण की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए 6वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, ग्राम पंचायत के कार्यालय उनकी बैठक के लिए सभा कक्ष जो होता है और सचिव के लिए जो आवास की व्यवस्था होती है इनके लिए भवनों का निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। पंचायत भवन के निर्माण लायक ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, 2.5 लाख है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्रामीण किसान बाजार एवं पशु हाटों का निर्माण की बात कर ले, 2004-06 में शुरू हुआ था और भूमिगत नाले निर्माण 2006-07 से ये शुरू हुई थी। अगला देखिए, इसमें विषय है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में संपूर्ण स्वच्छता अभियान 2000 से 2001 के मध्य शुरू हुआ था और 12 जनपदों से प्रारंभ होता है, इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। एक स्कूल की जो शौचालय बनाया जाता है उसकी एक इकाई की लागत क्या है, तो 20,000 रुपए है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 2,000 रुपये इसमें पंचायत अंश है, पंचायत के द्वारा दिया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर बाल मैत्रिक शौचालय इकाई की लागत क्या है, 5,000 रुपये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इसमें पंचायत अंश कितना है, 500 रुपये, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। स्कूल शौचालय की 20,000 है और आंगनवाड़ी केंद्र पर बाल मैत्रिक जो शौचालय इकाई है उसकी 5,000 रुपये इकाई की एक लागत है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। सामुदायिक शौचालय की, ये आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये आपकी 2 लाख रुपये है और 20% इसका अंश पंचायत द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण के बारे में। पंचायत स्तर पर धन का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों के विरुद्ध जांच का एक कानून बना हुआ है, ये चीज आपको ध्यान देना है। शिकायत शपथ पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी जिसके साथ साक्ष्य भी दिए जा सकते हैं, यानी आपको शिकायत करनी है तो आप उसके शिकायत लिखिए और उसमें शपथ पत्र को अटैच कराइए और उसे जिला मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं और साक्ष्य भी उस पर दे सकते हैं। शिकायत जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट को पहुंचेगी तो ये जाँच जो है केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा की जाएगी, यानी देखिए आदेश देगा कौन, जिला मजिस्ट्रेट, और काम कौन करेगा, जिला स्तर का ही अधिकारी इस शिकायत की जांच कर सकता है, ठीक है। ग्राम पंचायत अभिलेखों को पूर्ण करने हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुबंधित करेगी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होगा जो सीए होते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है।
ये आपके जो टैक्स वगैरह का काम होता है और जो अभिलेख होते हैं इनको पूर्ण करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं काम। ग्राम पंचायत का ऑडिट महालेखागार द्वारा किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान, ऑडिट का मतलब जो क्या खर्चा किया है ग्राम पंचायत ने, ये सब चीज़ों का ऑडिट कौन करता है, तो महालेखागार करता है। ठीक है, प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो ग्राम सभा स्वयं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकती है। यानी प्रधान के ऊपर यदि अविश्वास है, लोगों को विश्वास नहीं है और ऊपर गंभीर आरोप है, तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। देखिए अंतिम आपका है सातवां, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर विभागीय जो अधिकारी हैं प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यालय के दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। ये भी चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, हर एक सोमवार को 11 बजे से 1 बजे तक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला आपका पंचायत नागरिक चार्टर के लाभ, इसमें देखिए इसके लाभ क्या क्या है। बेहतर से सेवा वितरण हो, जनता के प्रति जो है अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, सेवाओं के साथ जनता की संतुष्टि होना ज्यादा जरूरी है, पारदर्शिता बढ़ेगी, नागरिक की भागीदारी भी बढ़ेगी, लोक सेवा जो पब्लिक सर्वेंट है और सार्वजनिक कार्यालयों की बेहतर जवाबदेही भी होगी, नागरिकों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला जा सकता है, इसके बाद शिकायतों के मामले में जागरूकता फैलेगी। देखिए नागरिक चार्टर बिल आया था 2011 में, ये चीज़ हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया था। पंचायत नागरिक चार्टर में कानूनी समर्थन की कमी थी, कानूनी ताकत के लिए यही 2011 में यह नागरिक चार्टर बिल लाया गया था, परंतु यह बिल पारित नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये पारित नहीं हुआ था और नियम नहीं बन पाया था। इसे शिकायत निवारण विधेयक भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य नागरिकों के चार्टर को व्यवहार में लागू करने में कानूनी तंत्र प्रदान करता है ये। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसका उद्देश्य लोगों एवं वस्तु एवं सेवाओं की समय पर पहुंचने सुनिश्चित करना था। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को एक्ट के प्रारंभ होने के 6 मंथ के अंदर नागरिक चार्टर प्रकाशित करना अनिवार्य था। आप देख सकते हैं कितना टाइट नियम था और आप इससे ही समझ सकते हैं इसलिए ये बिल पास भी नहीं हुआ था संसद में, क्योंकि वही बात हो जाती कि वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे और जिम्मेदारी बढ़ जाती नेताओं की, इसलिए उन्होंने इसे पास ही नहीं होने दिया। अगला इसमें क्या है, नागरिक चार्टर सार्वजनिक प्राधिकरण का कामकाज कानूनी नीति का उल्लंघन से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप कितना पावरफुल ये बिल था। इसमें देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, 30 वर्किंग डेज में शिकायत का निवारण करना जरूरी था। ये चीज भी आपको ध्यान देना, बताइए कैसे ये बिल पास होता, बेचारे नेताओं की तो पोली खुल जाती है यहाँ पर। अब देखिए नागरिक चार्टर जो है इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। सेवा का नाम क्या है, जैसे देखिए जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको आवेदन पत्र देना है और 5 रुपए केवल लगेगा आपको। ठीक है, मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर आपको ये बन जाना चाहिए। आपको संपर्क कहाँ करना है, तो ग्राम पंचायत के सचिव या प्रधान से संपर्क करना है। इसके अधिकारी कौन है, सहायक विकास अधिकारी हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका, मृत्यु प्रमाण पत्र है तो आपको आवेदन पत्र और मृत्यु के साक्ष्य, 5 रुपए इसमें भी लगेगा, 1 मंथ के अंदर बन जाना चाहिए और पंचायत सचिव या प्रधान के पास जाना है और इसके भी अधिकारी DPRO हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, परिवार रजिस्टर की नकल व अन्य अभिलेख लेना है, तो इसके लिए आवेदन पत्र, परिवार सदस्यों का विवरण और इसमें पहले 5 प्रश्न तक यदि आप निकला तो 5 रुपये लगेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा निकलेंगे तो फिर आपके 5 रुपये लगेंगे। ये आपका 3 दिन के अंदर आपका निकल जाना चाहिए और इसके संपर्क किससे करना है, पंचायत सचिव से करना है और इसके भी अधिकारी आपके DPRO है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध, तो इसमें आवेदन पत्र ID निःशुल्क है, ये 3 दिन के अंदर होना चाहिए और ये संपर्क किससे करना है, ग्राम पंचायत सचिव या प्रधान से करना है और इसके अधिकारी कौन है, DPRO इसके भी है। मनरेगा जॉब कार्ड जारी करने की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो आपको जरूरी दस्तावेज चाहिए वो आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, बैंक खाता संख्या चाहिए। इसका शुल्क निःशुल्क है, 3 दिन के अंदर समय सीमा है ये और संपर्क कहाँ करना है, ग्राम रोजगार सेवक के प्रधान से करना है और इसके अधिकारी कौन है, खंड विकास अधिकारी हैं आपके या तो कार्यक्रम अधिकारी हैं। ये सुविधाएं कौन कौन से जो कि निःशुल्क रहेंगे, तो इसमें देखिए पानी की पाइपलाइन का रिसाव, सरकारी हैंडपंप की मरम्मत का काम कितने दिनों में हो जाना चाहिए, 7 दिनों के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ पानी की पाइपलाइन है ये सरकारी हैंडपंप की मरम्मत करवाना है तो 7 दिन के अंदर, पानी की गुणवत्ता की जांच 7 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, पशुओं के पेयजल व्यवस्था 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, नालों के ऊपर बहता पानी, सड़क पर जमा पानी हटाने का कार्य 3 दिन के अंदर, सामुदायिक सफाई हो गया, शौचालय मरम्मत सफाई कूड़ा निस्तारण 7 दिन के अंदर, बाजारों में स्वच्छता, स्कूल जलापूर्ति,
शौचालय सफाई का कार्य 7 दिन के अंदर, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, कब्रिस्तान है, शमशान है, घाट पर कब्जा हटवाना है, खेल मैदान, सार्वजनिक उद्यान के रख रखाव, सुंदरीकरण संबंधी जो भी कार्य है 30 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, अतिक्रमण हटाने, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, गलियों की मरम्मत 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। इन कार्यों के आयोजन जो भी हैं ये निःशुल्क है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राशन कार्ड आपको बनवाना है तो शुल्क इसका 5 रुपए है, 30 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। और इसमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र परवाह रजिस्टर की नकल बनाने के लिए 20-20 रुपए शुल्क अदा करना होता है, चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और यदि आपको इसका क्या कहते हैं PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको वहां जाएंगे तो आपको टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से उस चैनल पर जाकर आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सपोर्ट करिए, और यदि आपको कोई भी सुझाव हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।